ही माफी चाहती लाने रोज अतरा ही काम है जर ले काम का काम से ना सो मंगल दी थी हर काम का है अस्सलाम वालेकुम तेरगन भाई, क्या हाल है? ठीक होंगे? जहाँ रहे खुश रहे, बात रहे हैं, उसको मुस्कुराते रहे। पहले मैं दीपी को मैंने घर में सब चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मेरे छोटे से रिक्वेस्ट होती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें। तो सभी मुझे पता है और मेरा जो है ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले जो है मैं बनाती हूँ नाश्ता। तो अभी जो है घूमते हैं आटा, बर्तन वगैरह जो है मैंने सारे धो के रख दिए हैं। देखिए पतीला भी धो दिया है क्योंकि रात को जो है जो चावल बनाए थे, और बाकी के बर्तन भी धो दिए हैं। तो अभी जो है घूमते हैं आटा और नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना स्कूल जाएँगे तो इसलिए जो है लेट ना हो जाए। नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद जो है आगे का काम जो होगा फिर दिखाएंगे। बल्टी और थाल जो है मैं इधर रख देती हूँ, और अभी जो है चलते हैं आटा निकालते हैं। कद्दू की जो रेसिपी जो है हमने बनाई थी दोपहर को वो रखी हुई है, उसके साथ जो है नाश्ता कर लेंगे। इधर से निकालते हैं, चावल जो है ना बाकी सब ने खा लिया था, बुक्का जो है ना हिस्सा रखा हुआ है क्योंकि वो जो है ना ड्यूटी पर चले गए थे, तो इसलिए जो है ना चावल उनके हिस्सा जो है ना रखा हुआ है। बाकी जो है ना कद्दू की सालन के साथ नाश्ता करेंगे। आटा जो है ना मैंने निकाल लिया है, चलते हैं गूंथते हैं आटा। पड़ी हुई है वो ले आते हैं। देखिए ये पड़ी हुई है, पानी की बोतल भी नहीं उठाई और पानी भी सबको उठाते हैं। इतनी सारी जो है ना बोतलें बची हुई हैं, बाकी जो है ना खाली है, ये रखी हुई है और कुछ जो है ना रेडी पे रखी हुई है, सारी की सारी जो है ना खाली है। आटा गूंद लेते हैं, उसके बाद जो ना देखते जो रुटीन होगी फिर बन जाए तो सब गूंदने शुरू करेंगे। अभी जो ना मैं बैठ रही थी नाश्ता बनाने, तो आटा जो ना मैंने रख दिया है और तवा भी धो लिया है और लकड़ी वगैरह भी इकट्ठी कर ली है। तो अभी जो ना उठाते हैं जैसे घी नाचिस और फिर जो ना बैठते हैं नाश्ता बनाने।
ये घी का डब्बा और ये आगे माचिस। अभी जो है ना बैठते हैं, आग जलाते हैं और फिर जो है ना नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है ना लेट हो रही है। अभी तक मैंने जो है नाश्ता नहीं बनाया। आग जो है ना मैंने जला ली है, तो अब जो है ना नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद जो ना आगे की जो रूटीन होगी फिर बहन भाई के साथ जो है ना शेयर करेंगे। देखिए मेरी आग जो है ना जल गई है, कितने देर से जो है ना जला रही थी, अभी जली है। फिलहाल अभी नाश्ता बना ले, उसके बाद जो है ना आगे की जो रूटीन होगी वो शेयर करेंगे। सुबह की जो रूटीन थी मैंने बहन भाई के साथ जो है शेयर कर ली थी। अभी जो है शाम की रूटीन है, तो पहले जो है मौसम को विजिट कराती हूँ, क्योंकि मौसम जो है खराब हो गया था और ठंडी ठंडी जो है हवा भी चल रही थी। और सुबह जो है इतना गर्मी थी ना इतना ज्यादा गर्मी थी ना बहुत ज्यादा। अभी जो है हवा भी चल रही है और थोड़े थोड़े से जो है ना बादल भी बन गए थे और गर्मी जो है ना बिल्कुल खत्म हो गई है। ये देखें हवा भी चल रही है। ये मुर्गा जो है ना सारा दिन जो है ना भाग देता है। ये देखिए मुर्गियां हमारे घर में जो है ना टहल रही हैं, सारा दिन जो है ना ये भाग देता रहता है, टाइम हो या ना हो सारा दिन। और इधर जो है ना हमने तवी खरीदी है, ये देखिए रोटी बनाने के लिए, क्योंकि फैमिली जो है ना बहुत ज्यादा होती थी, तो तवे पे जो है ना लकड़ी भी बहुत ज्यादा लगती थी, तो इसलिए जो है ना तवी खरीदी है। जो है ना तीन रोटी आती हैं, तो ये जल्दी से जो है ना दो बैठ के बना लेते हैं रोटी। और फैमिली की रोटी बनाते बनाते लकड़ी भी खत्म हो जाती थी, क्योंकि लकड़ी कुछ करते थे और लकड़ी के जो है ना हमें बहुत ज्यादा कमी है, और इसलिए जो है ना ये खरीदी है। इस पर जो है ना जल्दी से बना लेते हैं और लकड़ी भी कम पड़ती है। कहाँ गए थे? मैं सो रही थी, उठी तो आप नहीं थे, तो मैंने अम्मी से पूछा कि कहाँ चले गए। अरे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कहाँ गए थे? मैं यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, उधर पता चला कि आज जुम्मा है, बस भी नहीं आएगी। जुम्मे जुम्मे वाले दिन भी बस चलती है? किसने कहा है कि बस? जो जिधर मैं जा रहा था वो नहीं चलते जुम्मे वाले दिन। गोल्फ का दही भले खा के ये देखे सारे मुंह पे लगाया हुआ है। जाओ मुंह धो। ऐसा होमवर्क कर लिया है क्या? अभी बैग समेट रही हो। कुछ कर लिया, कुछ रख दिया। हाँ जी, एक सवाल जो है ना मैंने कर दिया है, बाकी जो है ना खुद कर रही है, टीचर कर लिख रही है। और सुनाओ क्या कोई नवी ताजी? नई ताजी तो नहीं है मेरे पास, सब पुरानी है। सब पुरानी है, कोई पुरानी से सुना दो। अभी पुरानी तो सुना रहा हूँ। नान वगैरह खा लिया? अकेले अकेले मुझे तो नहीं दिए। नहीं आप तो सुबह गुस्सा खा रहे थे ना, वो खाओ। हाँ जी गुस्सा खाओ ना, गुस्सा तो वो भी बहुत टेस्टी होता है। कब मैंने गुस्सा किया है? गुस्सा तो आपने किया है। जो जो इंसान गुस्सा खाता है ना वो पतला नहीं होता, मोटा होता। खाओ खाओ खाद के खाओ। हम जो है नान नान क्या कहते हैं नान पकौड़े और दूसरी चीज दही भल्ले वगैरह खाएंगे, आप गुस्सा खाओ। अच्छा जुल्फी का नहीं? नहीं वो आपका बेटा है, जैसे आप कहोगे वो भी ऐसा कहेगा। लाइट जो है ना चली गई थी, अभी जो है ना लगता है आ गई है। आज है ना सारा दिन लाइट जो है ना आती जाती गई है, आती जाती गई। कभी आ रही थी कभी जा रही थी, गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और लाइट भी नहीं ठहरी सारा दिन। 5 मिनट आती थी फिर चली जाती। और आज जो है ना हमने बनाई है रेसिपी, जो बनाई है बहन भाई के साथ जो है ना शेयर करते हैं, क्योंकि दोपहर को जो जब बनाते हैं वो उस टाइम जो है ना मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम जो है ना मोबाइल फारिग नहीं होता, तो इसलिए जो है ना इस टाइम फारिग होता है, तो मैं जो है ना अभी शेयर कर लेती हूँ कि आज जो है ना हमने क्या रेसिपी बनाई।
अब्बू जी ना लेकर गए हैं रोटी, रोटी वगैरह बनाकर से दे दी थी और ऐसे भी जो अभी मुकम्मल करके रख दी है। और रोटी चार पहिया वगैरह निकालूंगी, उधर दो पड़ी हुई हैं और अभी जो है ना दो तीन निकालनी है, वो मुकम्मल करके फिर आटा गूंद के फिर रोटी बनाएंगे। पहले रेसिपी बहन भाइयों को जो है ना शेयर करा देती हूँ कि आज जो है ना हमने क्या बनाया है। इसके ऊपर जो है ना बहुत सारी चीज़ें ढंपी हुई है क्योंकि मक्खियाँ जहाँ है ना तंग करती हैं। ये देखें गोश्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, गोश्त की रेसिपी जो है ना हमने बनाई थी। अबू जो है ना अपना हिस्सा लेकर चले गए हैं और बाकी जो है ना बचा हुआ है हमारा हिस्सा। अभी जो है ना चार पाया निकालती हूँ और फिर जो है ना आटा गूंद के रोटियाँ बनाऊंगी। और जिस बहन भाई ने जो है ना हमारे घर में जो है ना चिकन के साथ खाना खाना हो वो आकर खा सकता है। जब तक जो है ना पहुँचेगा हमारा जो है ना खाना मुकम्मल तैयार हो गया होगा, फिर साथ उनका जो है ना फिर खाएंगे। ये देखिए ये छोटे छोटे चूजे जो है ना सारा दिन हमें तंग करते हैं। रेड़ी जो है ना हमने इधर खड़ा दी है क्योंकि उधर जो है ना जगह पे जो है ना लकड़ी वगैरह काटते थे तो तंग होते थे, छांव भी उधर होती थी, हमें बैठ के लकड़ी काटती थी और उधर भी रेड़ी ठहरी हुई थी तो। अच्छा मेरा शोहर कितनी दौलत आपके खा गए? 1,20,000। 1,00,000? अच्छा इसलिए नलके के जो है ना खाले पर बैठे परेशान होकर बैठे हुए हैं। अब अम्मी क्या बनेगा, 1,00,000 रुपया खा गए हैं इसके। आज मुझे बता रहे थे कि दही भले और नान वगैरह लेकर आए थे, उसी चीज के उसी पैसे तो नहीं ले कर आए थे। हाँ जी अब मुझे क्या पता कि भाई के पैसों के साथ लिया है, मुझे पता होता मैं नहीं खाती है ना भाई। तुम क्यों नहीं खाती? मैंने कहा कि अपने पैसों के साथ लेकर आया है। इसलिए बनवान जो ना बहुत ज्यादा परेशान बैठे हैं। कोई बात नहीं, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे ना, लेके आ जाओ उसे लेके आ। वो कहता है कि मैंने किसी से लेने हैं, वो ले आऊंगा फिर आपको दूंगा। कोई पढ़ने के कुआर है? चलो मिल जाएंगे, परेशान ना हो। मिल जाएगी भलाई, मिल जाए। हाँ जी मुझे जो है ना जी वो देखे वो सोया हुआ है खा कर, अब उठ भी नहीं रहा। एक चौक पर चक्कर लगेगा, 440 रुपए ले आ, एक चौक पे चक्कर लगेगा। बाकी जो बच्चे हैं ना वो तो उठा लो, नहीं तो वो भी खा जाएंगे। उसे पूरे पूरे लेके आ जा, इधर कैमरा लेके खड़ी हो गई, लेके आ जा उसे पूरे पैसे। चलो मांगती हूँ देता है तो, मांगती हूँ देता है वाली बात नहीं, लेके आ जा। चलो मांगती हूँ। भाई के पैसे दो, वो मुझे कह रहा है कि मेरे पे जो नान आपने खाए है ना, वो दही भले खाए है ना, वो मेरे पैसों के साथ लेकर आए थे। कितने? वो कहता है कि 440 रुपया है। उसको बोलो देखे भी है, दो उसके पैसे, जाओ दफा हो जाओ, कुछ नहीं मिलेगा आज। लेनी थी वो लेकर आए थे ना बकाया, उसके दे दो। क्या लेके आया था? 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 60 रुपए के दही भले लेके आया, पैदल मुक्के उसके पेट्रोल का, उसका काम भी उसका था, पेट्रोल मैंने डलवा दिया, चलाने वाला मैं था। उसकी मजबूरी है, वो जो है ना मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, इसलिए इसका जो है ना आपने फायदा उठाया है, उसके 100 रुपए का जो है ना पेट्रोल डलवा है, 60 रुपए के दही भले और 100 रुपए का कंधे पे तो नहीं ले जा सकता ना, कभी उठा के जाओ उधर से दही भले। चलो आपके भाइयों का मसला है तो बीच में आप मत पड़ो ना। हाँ जी मैं जो है ना बीच में नहीं पड़ती, आपके भाइयों का मसला है, दो ना दो ये आपका मसला है। तो आगे की जो रूटीन होगी फिर बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर करेंगे। माफी चाहती, माफी अल्लाह।
इसके साथ जाना हमारा व्लॉग भी हो गया है मुकम्मल। हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।